हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फेयर वेब प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां आज हम बात करेंगे सीएसएस की एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एंड दैट इज टेक्स्ट शेडो। कि किस तरीके से आप अपने टेक्स्ट में शेडो लेके आ सकते हैं। ठीक है, सिंगल शेडो आपको लाना है, मल्टीपल शेडो आपको लेके आना है, तो चलिए प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट को समझते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम अपने टेक्स्ट पे शेडो को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं एक नई HTML फाइल क्रिएट करता हूं, दिस इज टेस्ट शेडो के नाम से, टेस्ट शेडो डॉट HTML। ठीक है, और बेसिक टैग जो हमें यहां पर लेना है वो मैं लेके आ जाता हूं। सो हमारे बेसिक टैग जो हैं वो है, इसमें से ले लेता हूं, ठीक है, HTML हेड स्टाइल। ठीक, मैं इसको एज इट इज कॉपी कर लेता हूं, सो दैट हमारे बेसिक टैग्स मुझे चाहिए। रिमेनिंग टैग्स तो हम अपने खुद क्रिएट करेंगे। तो ये हमारा सिंपल, आप देखिए HTML हेड टाइटल बॉडी, ओके, और ये मैं डिलीट कर देता हूं, दिस ऑल टेक्स्ट वी डू नॉट रिक्वायर राइट नाउ। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। तो ये जो मेरा टेक्स्ट है आप समझिए, ठीक है, ये मेरे बेसिक टैग्स है जो हम हमेशा स्टाइल के लिए यूज करते हैं। तो यहां पर अब मैं चाहता हूं कि मुझे अपना एक टैग सिलेक्टर डिक्लेयर करना है, तो मैंने डिक्लेयर कर दिया सपोज H1 के नाम से। ठीक, और इस H1 में हमने कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज अभी सेट की हैं, लाइक फॉन्ट साइज मुझे रखना है सपोज 40 pixels। ठीक है, देन फॉन्ट फैमिली हमने बोल दी कि बॉस फॉन्ट फैमिली होगी हमारी टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, एंड देन हमने बता दिया कि बॉस फॉन्ट का जो कलर होगा वो बाय डिफॉल्ट होगा सपोज ब्लैक। ठीक है, या मैं इसको ले लेता हूँ ग्रे। ठीक है, इट शुड बी इन ग्रे कलर समथिंग, और कुछ और डार्क कलर अगर अपने पास है तो हम उसको ले सकते हैं। ठीक है, या चलिए इसको ब्लू कलर में ले लेते हैं हम। तो ये मैंने अभी H1 लिया, और इस H1 में मैंने सेंटर में हमने यहाँ लिख दिया सेंटर, दिस इज स्लैश सेंटर, ओके, और इसके बीच में हमने इस H1 टैग के साथ सिंपली लिखा है स्लैश H1, और ये मैंने लिख दिया डेटा फ्लेयर बी कोर्सेस। ठीक है, दिस इज व्हाट द टेक्स्ट वी हैव। तो अगर मैं अभी इस टेक्स्ट को देखता हूं तो मुझे टेक्स्ट कुछ इस तरीके से दिख रहा है, दिस वन, राइट। लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे इस पर शेडो लेके आनी है, आई वॉन्ट शेडो इन दिस टेक्स्ट, राइट। तो इस पर शेडो लाने के लिए हियर वी हैव अ प्रॉपर्टी कॉल्ड शेडो। ठीक है, हियर वी हैव अ प्रॉपर्टी कॉल्ड टेक्स्ट हाइफन शेडो। अब यहां पर आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, ये जो टेक्स्ट हाइफन शेडो प्रॉपर्टी है, यहां पर हम चार वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं, मतलब शेडो जो है वो चार तरीके से हम सेट करते हैं। सी दिस वन, हॉरिजॉन्टल शेडो, वर्टिकल शेडो, ब्लर और कलर, और इनकी जो वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। मतलब पिक्सेल्स में आपको वैल्यू देना है 1, 2, 3, 4, 5, बट दैट में भी हॉरिजॉन्टल शेडो की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, और वर्टिकल शेडो की वैल्यू भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। थोड़ा सा ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को सुनना जो मैं बताना चाह रहा हूं। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहां पर क्या करता हूं, इसकी शेडो प्रॉपर्टी सेट करता हूं सपोज 3 pixels, ये मैंने दिया एच शेडो, हॉरिजॉन्टल शेडो, अगेन 3 pixels, दिस इज वर्टिकल शेडो। ब्लर की वैल्यू मैंने दे दी है 5 pixels। ठीक है, और यहां पर हमने कलर अभी बोला कि मुझे जो कलर चाहिए सपोज दिस इज रेड कलर। ठीक, सो अब यहां पर अगर मैं इसी पेज का इफेक्ट देखूंगा तो आप देखिए, नाउ इट इज लुक लाइक दिस, ये मुझे कुछ इस तरीके से दिख रहा है, देयर इज अ शेडो, रेड कलर शेडो विद दिस ब्लू, कि ब्लू के पीछे जो आपको दिख रही है ये रेड कलर शेडो है। अब इसमें एच शेडो और वी शेडो का जो डिफरेंस है आप देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा सा इसको बिगर साइज में कर देता हूं। अगर मैं यहां पर एच शेडो की वैल्यू चेंज करता हूं, सपोज इट इज 3-2, मैंने डायरेक्टली कर लिया 10 pixels, राइट, और इसके बाद अगर मैं अपने पेज को रिफ्रेश करता हूं, ये जो हॉरिजॉन्टल शेडो है ये स्लाइटली इधर चेंज हुआ है, राइट। यदि आप देखिए फिर से मैं अगर इसको बढ़ा के सपोज इफ आई मेक इट 15 pixels, राइट, एंड अगेन आई रिफ्रेश दिस पेज, मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, सी दिस वन, तो ये हॉरिजॉन्टल जितना शेडो आपको चेंज करना है। सिमिलरली अगर आप वर्टिकल वाइज चलना चाह रहे हैं, मतलब शेडो आपको वर्टिकल वाइज चेंज करना है, सो दैट यू कैन गो विद दिस। ये देखिए आप, अभी ये 3 pixels है, ओके, मैं इसको 3 से कर देता हूं, अगेन सपोज 10, तो आप देखिएगा वर्टिकल कि शेडो का वर्टिकल किस तरीके से चेंज होता है, ओके, इसको सेव करके मैं रिफ्रेश करता हूं पेज को, ठीक, ये मेरी शेडो वर्टिकल चेंज हो रही है, राइट। और ब्लर का मतलब ये है कि आप इमेज को कितनी ब्लर रखना चाह रहे हैं, राइट, मैंने ब्लर को कर दिया सपोज 2 pixels, ओके, सो नाउ व्हेन आई सी दिस, ये देखिए
ये ब्लर थोड़ा सा सिंपल आपको अब ये पढ़ने में आ रही है टेक्स्ट शेडो, ठीक है। तो कैसे आपको शेडो लेके आना है वो अपनी चॉइस है। सिमिलरली यदि मैं इसको और वन कर देता हूँ, राइट, ये देखिए आप, ये वन पे मुझे और दोनों चीजें प्रॉपरली पढ़ने में आ रही है, राइट। तो शेडो आपको अब देखिए, ये तो अभी हमने एच शेडो और वी शेडो की जो वैल्यू दी थी वो हमने शुरुआत यहां से की थी, थ्री पिक्सल से, दिस इज अगेन थ्री पिक्सल्स, ये मेरा ब्लर का कॉन्सेप्ट था, इसको मैंने 5 पिक्सल्स कर दिया और ये मेरा कलर था, राइट। अब मैं इनकी वैल्यूज नेगेटिव में लेता हूं, ये देखिए अब ये तो पेज आ गया अपना, अब ध्यान से सुनना, ये वहीं से जहां पे हमने स्टार्ट किया था। अब अगर मैं इसको नेगेटिव लेता हूं, है ना, अब थोड़ा सा इस पे फोकस करना क्योंकि नेगेटिव आपको थोड़ा सा प्रॉपर तब समझ में आएगा। मैंने एच शेडो को नेगेटिव किया, एच शेडो, राइट, हॉरिजॉन्टल शेडो, तो आपने देखा जब पॉजिटिव हो रहा था तो वो राइट डायरेक्शन में जा रहा था, नेगेटिव होगा तो इट इज इन लेफ्ट डायरेक्शन, राइट, से दिस वन, ये देखिए, ठीक है। मैं और नेगेटिव लेता हूं इसको, मान लो मैंने कर दिया -13 डायरेक्टली, तो आप इसको अब रिफ्रेश करेंगे, ये इट इज इन लेफ्ट डायरेक्शन कि हॉरिजॉन्टल लेफ्ट में जा रहा है। एक्चुअली कॉन्सेप्ट आप समझो ये कुछ इस तरीके से है कि यहां पर अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपका एक्चुअली डायरेक्शन है, सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, तो जैसे जैसे आप पॉजिटिव वैल्यू देंगे 1, 2, 3 ये एक्सिस इस डायरेक्शन में मूव करेगा आपकी जो शेडो है, और अगर आप नेगेटिव वैल्यू देंगे तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में। सिमिलरली एक्स एक्सिस यदि आप पॉजिटिव देंगे दिस डायरेक्शन, नेगेटिव देंगे दिस डायरेक्शन, राइट, सॉरी वाई एक्सिस। तो यहां पर अब मैं अगर इसको वैल्यू देता हूं -13 के बजाय, मैंने वाई शेडो को माइनस वैल्यू दी -13, तो अब आप देखिए ठीक है, अब आपका जो वाई शेडो है, अब देखिए ना, मैं इसको चेंज करता हूं, सपोज दिस इज -10, अब वाई एक्सिस को देखिएगा आप, ये आपको इफेक्ट आई होप समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से ये इफेक्ट शो हो रहा है, राइट। यदि मैं इसको रन करता हूं एंड रिफ्रेश दिस पेज, ये देखिए वाई एक्सिस चेंज हो रहा है, तो जैसे जैसे आप माइनस वैल्यू देंगे वैसे वैसे आपका शेडो चेंज होते जाएगा। और यहां पर एक और कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं, यदि मुझे जैसे मैंने ये एक शेडो लिया, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा पिक्सल्स प्रॉपर कर देता हूं, इट इज ए 3 पिक्सल, सपोज ये मेरी 3 पिक्सल्स है, ठीक है, 3 इसको 2 कर देते हैं वाई, और इसको हम ले लेते हैं 3 पिक्सल्स एंड इट इज इन रेड कलर, ताकि मुझे जो अब इफेक्ट आपको दिखाना है, देखिए अब दिस वन। अब यदि मैं चाहता हूं कि मुझे इस शेडो पे एक और शेडो अप्लाई करना है तो जस्ट कॉमा, ठीक, और यहां पर अगर मैंने अब जो शेडो ली है, मान लो मैं इसी शेडो को फिर से चेंज करना चाहता हूं, मैंने इसको कर दिया एक्स एक्सिस 5 पिक्सल्स, वाई एक्सिस सपोज मैंने 5 पिक्सल्स, ठीक है, एंड देन शेडो इज अगेन 2 पिक्सल 3 पिक्सल्स, और ये मैंने कलर अब ले लिया सपोज ऑरेंज, ठीक है। सो नाउ व्हेन आई रन दिस, अब मैं इसको रन करता हूं या पेज को रिफ्रेश करता हूं सपोज यहां पे, तो आप देखिए दिख रहा है आपको देयर इज अ थर्ड कलर इंक्लूडेड इन दैट, वो ऑरेंज कलर, अब आपको एक शेडो और दिख रही है ऑरेंज कलर की। तो शेडो वन इज टेक्स्ट ब्लू, देयर इज अ शेडो रेड एंड देयर इज अ शेडो ऑरेंज। तो यदि आप एक ही उस पे मल्टीपल शेडो लाना चाह रहे हैं, सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट यू कैन सेट मल्टीपल शेडो इन द सेम टेक्स्ट। ऐसे ही अगर मैं कॉमा लगा के फिर से एक और शेडो डिफाइन कर दूंगा, मान लो मैंने इसको कर दिया 7 पिक्सल्स के साथ, ठीक है, 7 पिक्सल्स एक्स, सॉरी मेरा एच एच शेडो, देन अगेन 7 पिक्सल्स मेरा वाई शेडो, ठीक है, देन सपोज मैंने कर दिया 4 पिक्सल्स ये मेरा जो ब्लरी कंटेंट है, और यहां पर मैंने कलर ले लिया सपोज इसको मैं कोई और एक कलर ले लेता हूं सपोज ब्लू वायलेट, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं यहां पर अगर इसको सेव करता हूं और मैं इसको रिफ्रेश करता हूं पेज को, राइट, सी एक और पीछे आपको कलर दिख रहा है, इसी तरह से 1, 2, 3, 4, तो सो दैट यू कैन एड मल्टीपल शेडो इन योर टेक्स्ट, कि आप एक साथ मल्टीपल शेडो को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंटली आपको यह समझ में आया कि ये जो 4 वैल्यूज हम दे रहे हैं, इन 4 वैल्यूज का मीनिंग क्या है, 1 is एच शेडो हॉरिजॉन्टल शेडो, 2 is वर्टिकल शेडो, 3 इज ब्लर पिक्सल्स एंड 4 इज द कलर। तो आप एक साथ मल्टीपल कलर भी दे सकते हैं, जैसे मैंने यहां पर आपको बताया, सॉरी मल्टीपल शेडो आप एक ही टेक्स्ट में लेके आ सकते हैं, ओके। सो दिस इज व्हाट द सिंपल कॉन्सेप्ट हाउ टू शो अ शेडो इन द टेक्स्ट, कि आपको टेक्स्ट पे अगर शेडो लेके आना है तो किस तरीके से हम शेडो लेके आएंगे। तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है कि किस तरीके से शेडो को डिफाइन कर सकते हैं। बॉस यही है इस CSS का कमाल जो मैं आपको बोल रहा हूं, कि दिस इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट टू मेक योर पेज इंटरेक्टिव एंड
डायनेमिक, कि आप कितना इंटरेक्टिव अपने पेज को बना सकते हैं इन कॉन्सेप्ट को यूज करके। अभी तो हम एक 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 सारे कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, इन लेटर ऑन वी कैन मर्ज ऑल ऑफ देम एंड मेक अ ब्यूटीफुल वेबसाइट। तो बने रहिए इस कोर्स में, और यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स के साथ। जब तक आप इनके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को समझते रहिए, ठीक। तो चलिए करते हैं मुलाकात नेक्स्ट क्लास में, एक बार आप इस पूरे कोड को देख लीजिए, ठीक। ओके, तो चलिए मैं मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।